It's no longer just words that are escalating tension between the US and Iran. America's now ramped up its war plans, sending military reinforcements into the region. आपके साथ हूं मैं नेहा बातम, ईरान और अमेरिका के रिश्तों की बात करेंगे जिसके बीच तनाव जैसा माहौल है, जंग का सायरन गूंज रहा है। Tuesday it looked like the US and Iran were on the brink of war. आप जब ईरान सर्च करते हो YouTube पर आपको ये सब सुनने को मिलता है। ये सब के होते हुए भी मैं ईरान गया एज अ टूरिस्ट। क्या ऐसा कुछ है ईरान में जो मीडिया आप लोग को नहीं दिखाती? ऑफ कोर्स है, और यही रीज़न है जिसको जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पूरा देखना चाहिए। Who is your favorite actor? Salman and Ashwarya. ماما اونم از اون رایگان، ما همه تاجران، اونم 51. My name is Vishnu और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल Wandering Maniac। तो guys, I am in Isfahan right now और आज मेरा first day है Isfahan explore करने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ नक्शेजना स्क्वायर। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में कहा था कि जो विक्टर है, विक्टर के साथ मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो वो वहाँ पे आ चुका है, मतलब वो पहुँच चुका है वहाँ पे। तो मेरे को यहाँ से मेट्रो लेना है। कल मेरी बात उमित से हो रही थी, उमित मतलब मेरा होस्ट यहाँ पे इस्फहान में, तो वो बता रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है बट मेट्रो लाइन ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मेट्रो लाइन बस एक ही है। और अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो फिर आप लोग बसेस का यूज़ कर सकते हो। बसेस मतलब हर एक कोने तक जाती है बसेस यहाँ पे, तो मतलब कशान जैसा नहीं है कि बसेस नहीं है वहाँ पे। मतलब कशान तो वैसे ही बहुत स्मॉल सिटी है, इस्फहान बहुत बड़ी सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ट्रैवल करना है तो आप लोग बसेस का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप लोग ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे मेट्रो लाइन है तो फिर तो मेट्रो यूज़ ही कर सकते हो। तो दिस इज़ द मेट्रो गाइस। काफ़ी नया लग रहा है कि अभी अभी मतलब रिसेंटली बना है ये मेट्रो स्टेशन। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर। जैसे आप लोग को पता है मेट्रो स्टेशन के अंदर छोटे छोटे शॉट लेता हूँ मैं, बट इस बार भी मैंने यहाँ पे भी लिया था और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर पूछने लगे क्या क्या रिकॉर्ड करा आपने। फिर मैंने दिखाया, देखने के बाद उनको मेट्रो स्टेशन के मतलब फुटेज मिले तो उन्होंने सारा डिलीट करवाया। मतलब अराउंड 4 से 5 मैंने शॉट्स लिए थे, मतलब पूरा डिलीट करवाया खड़े होके मेरे सामने। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कैमरा रिलेटेड स्टफ़ के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ये सब उतना नॉर्मल नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे कोई नहीं करता, और इनके लिए ये सब बहुत ही नई चीज़ है। और मैं अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे तो उनको थोड़ा सस्पिशियस वे में वो लोग यहाँ पे उसको देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। मेट्रो स्टेशन मेट्रो के लिए मैंने यहाँ पे 10 टोमान पे करे गाइस, और ये सिमिलर है तेहरान में भी इतना ही था, और 10 टोमान को मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इट्स अराउंड 6 इंडियन रुपीज़। तो और तेहरान में भी अराउंड इतना ही था, 6 से 8 रुपये के बीच में था कुछ। और अगर आप लोग को कहीं पर भी जाना है, यहाँ पे तो एक ही लाइन है मेट्रो का, बट अगर आप लोग को तेहरान में कहीं पे भी जाना है अराउंड 25 किलोमीटर के रेंज में, तो आप लोग 8 रुपये में कहीं पे भी जा सकते हो। और यहाँ पे अराउंड 10-12 किलोमीटर का यहाँ पे है मेट्रो लाइन, तो अगर यहाँ पे आप लोग को जाना है तो आप लोग को 6 रुपये में आप लोग जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग नक्शेजहाँ स्क्वायर के पास है गाइस, और ये मैंने आप लोग कहा मेट्रो स्टेशन से जो इमाम हुसैन मेट्रो स्टेशन है वहाँ से अराउंड 5 मिनट वॉकिंग का रास्ता है यहाँ पे, और हम लोग ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं हूँ यहाँ पे, आई एम विथ सहारा हियर, शी इज़ विक्टर्स फ्रेंड, एंड वहाँ पे विक्टर है, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। आर यू बाइंग समथिंग विक्टर? एंड हाउ मच इज़ द कॉस्ट फॉर दिस? It's different. For example, مثلا این ما 52 من این سایز داری به بالا. البته کوچیک‌ترش داری، اینا که اینا
50 तोमान? यस, ओके, 50 तोमान। तो ये सारे अराउंड $4 तक आ जाते हैं, 50 तोमान मतलब अराउंड 300 रुपये तक सब कुछ आ जाएगा। तो 300 रुपये के हिसाब से अगर मैं काम दिखा रहा हूँ आपको तो बहुत ही बढ़िया है। I think in Isfahan blankets are more famous, I guess. Yes. Blankets? Like the carpets, yeah. Yes, they are one of the our handicrafts. Yeah, yeah. The more deeper you walk into the bazaar, the less touristic things you see. Yes. Yeah, yeah, that's true. You know what, Victor? In India also there's similar bazaar like this. Yeah. You have seen that, right? Yeah. It's in Delhi. It's in Mumbai. You will find it in every state. Yeah, It's like, you know, you will find everything in the most cheapest rate possible. Yeah. And you can bargain as like you can't even imagine. I love your I love bargaining. Yeah. Yeah. I think bazaars are same for everyone. Like even in India, if there's someone as foreigner and they will charge as much amount as he can from that foreigner. Yeah. And if there is someone as local, then I think he won't charge as much as he charges foreigners. Yeah. It's similar to here. I think people in India were more into bargaining. Yeah. They are ready. They love bargaining. Yeah. When I was there, I was bargaining everything. Like, no, okay, so I'm gonna get 3 of them and just cut the price down. And they would even laugh like, you're good. Yeah, okay, just do that. You would sell me everything. पे हम लोग हैं अभी अब्दुल रजाक स्क्वायर के पास, और ये एरिया एक्चुअली सिटी सेंटर में आता है गाइस। जो इस्फहान सिटी है उसके एकदम एग्जैक्ट मिडिल में आता है ये एरिया। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बाज़ार है यहाँ पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, बस चलते रहो, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। दिस इज़ जामे मॉस्क गाइस, और ये ईरान का सबसे पुराना मॉस्क है। ज़ारा, कैन हियर गर्ल्स गो इनसाइड द मॉस्क? Inside the mosque? Yes. Girls can also go, right? Okay. So only men can go inside and no, female, there is a no? part for female. Okay. So this is for female and that is for male. तो गाइस आफ्टर जामे मस्जिद को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग यहाँ पे लोकल फूड खाने के लिए आए हैं, एंड यहाँ पे आप लोग फूड देखो ये। हेलो मैं आप गोश्त and isko what is the name of this food? Biryani. Yeah. Right, so this is a local food for Isfahan. Yeah. To yahan pe Isfahan ka local food hai, wo hum log try kar rahe hain abhi, to dekhte hain kaisa rehta hai. Sorry, Iranian champagne. Oh, what is that? You too. Champagne. तो अभी हम लोगों ने खाना खाया गाइस, और मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे साथ जो ज़ारा थी उनके डैड भी आए थे हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो एक्चुअली उनका ही प्लान था कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, और जैसे ही हम लोग सारे मिलके खाना खाए और जब बिल की बात आई, 1 रुपये पे करने ने दिया हमको, सारा उन्होंने पे कर लिया, मतलब ज़ारा के जो डैड थे उन्होंने पे करा। बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे गेस्ट हो, आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पूरा पे कर दिया बिल। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू माई व्यूअर्स, दैट यू ब्रॉट अस, वी ऑल एट फूड एंड यू आर नॉट अलाउिंग अस टू पे द मनी नाउ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि इन्होंने हमारा बिल पे किया, बट आपने गौर किया होगा इनके डैड हमारे साथ पहले नहीं थे। जैसे ही हमारा प्लान कुछ खाने का किया, ज़ारा ने अपने डैड को बुलाया, और वो शायद अपने काम में बिज़ी होंगे, बट तब भी उन्होंने हमको लंच के लिए ज्वाइन किया। हम ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे थे, और ये ऐसी चीज़ है जो शायद आपको दुनिया में बहुत कम देखने को मिलेगी। I guess that you felt this. या तो यही हाल है अभी। धन्यवाद, गुड बाय, नाम नोन, धन्यवाद, नाम नोन, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, बाय बाय, आई होप सी यू अगेन, या आई एम गोना टेक्स्ट यू, ओके ओके, थैंक यू।